हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकंड वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, है ना, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। जैसे मैंने कल आपको डेंटिसिटी बताया था, मतलब एक जो लिगेंड है वो किस किस टाइप से जुड़ सकता है। नेक्स्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसको डिफाइन करने के, जैसे डेंटिसिटी के बेस पर कर सकते हैं, इसके अलावा चार्ज के बेस पर कर सकते हैं, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बेस्ड अपॉन द बॉन्डिंग इंटरेक्शन। बॉन्डिंग इंटरेक्शन सेंट्रल मेटल के साथ में कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस तरह का बॉन्ड बना रहा है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते हैं, फिर एम्बीडेंटेट होते हैं, और चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड के बारे में मैंने आपको बताया था, चिलेट लिगेंड कौन से होते हैं, व्हाट इज द चिलेट, याद है किसी को? पर लास्ट स्लाइड थी क्लास की। Yes, सर, जो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देते, जो रिंग बनाते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं, जो रिंग बनाते हैं, रिंग की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो चिलेटिंग लिगेंड है। तो देखो, रिंग बनाने वाला तो आपको सीधा क्लियर हो गया। एम्बिडेंडेड लिगेंड वो हम बीच में डिफाइन करेंगे, यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्लेक्सीडेंटेड भी वहीं पे डिफाइन करेंगे बेस्ड अपॉन, और डेंटिसिटी भी मैंने डिफाइन कर दिया। डेंटिसिटी और चिलेटिंग लिगेंड ये दोनों हम कर चुके हैं ना, फिर भी इसको यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, बट सिंपल सी चीजें। अपॉन द चार्जेस, चार्जेस वाला भी हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में ही, ठीक है। मतलब चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव तो समझ में आता है, क्या पॉजिटिव भी हो सकता है? यस, इट कैन बी। वो हम आज इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड अपॉन द चार्जेस। तो चार्जेस के बेस पर लिगेंड की क्लासिफिकेशन करते हैं भाई। तो यहाँ देखिए आपके सामने, दूसरा डेंटिसिटी के बेस पर, तीसरा जो है बेस्ड अपॉन द बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अपॉन चार्ज, चार्ज के अपॉन पर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल मैंने आपको बताया था, वाटर न्यूट्रल होता है, यस, याद है। नेगेटिव हमने बोला था, अमोनिया भी नेगेटिव, वो न्यूट्रल होता है। नेगेटिव बोला था, साइनाइड का एक एग्जांपल आया था, तो वो हमें पता है, साइनाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव लिगेंड है, तो ये सिंपल से है ये तो, है ना। पॉजिटिव वाला सोचने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, याद रख लेना। आपने कल किए तो आपको लगा होगा कि हमें पॉजिटिव तो आई और नेगेटिव तो आ गए हैं, और सॉरी न्यूट्रल तो आ गए हैं और नेगेटिव भी आ गए। ये बहुत आसान है, फिर भी अगर आपको लगता हो कि ये नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है, आ जाएंगे। पॉजिटिव वाले थोड़े से टिपिकल टाइप में, वो रेयर होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से करना। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को ही लेने वाले हैं, ठीक है, जो ध्यान से करने वाली चीज है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रख लेना। नॉट ओनली जस्ट कि आपको ध्यान से करना है, इम्पोर्टेंट लिगेंड्स है ये, ठीक है। नेगेटिव और न्यूट्रल वाले तो नॉर्मल है। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोनियम आयन, NO पॉजिटिव, NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये देखिए NO पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं आपको इनमें सिर्फ ये दिखाने वाला नहीं हूँ, इनकी वैलेंसियां कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आप लोगों को फोर्थ लेसन केमिस्ट्री का, प्लस वन की केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन केमिकल बॉन्डिंग किया था सबने, yes, स्ट्रक्चर से याद है सबको, मतलब टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, है ना, लीनियर, ये याद है ना, ठीक है, सुने हुए हैं, नो वरी। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी याद होगा चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब जरा इसी में। तो देखिए, तो यहां मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ही डिफाइन करने वाला, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर आ गया तो इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, एक लोन पेयर होता है, यस, और जनरली तीन वैलेंसी दिखाता है ये। तो अगर ये तीन वैलेंसी दिखा रहा है, इसका मतलब इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब होगा क्या, हमें ऑक्सीजन के साथ इसे जोड़ना है, तो ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, लेकिन वो दो ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, दो के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, एक लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन के पास, दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास, और नाइट्रोजन के पास में एक फ्री रेडिकल टाइप में है, फ्री रेडिकल समझते हो, एक अकेला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, फ्री रेडिकल टाइप में। तो अब जरा देखिए क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ये बात समझ में आई थी, ये डायग्राम सबको समझ में आया जो मैंने बनाया है, yes. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। यस बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस डायग्राम ना, यस यस सर, ठीक है। तो अब देखिए,
तो यहाँ पर अब होने क्या वाला है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने अब यहाँ दिखा दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो मैंने ऊपर दिखा दिया और लोन पेयर को थोड़ा साइड में कर दिया ताकि थोड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाए सिचुएशन। दो बॉन्ड बना रहा, नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ऐसा ही है। दूसरा लोन पेयर ऑक्सीजन वाला क्या करेगा, वो इस तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। यस बेटा क्लियर है ये बात, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज विद वन फ्री रेडिकल टाइप इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया अभी सबको? यस। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये आना चाहिए, क्योंकि जब आप बॉन्डिंग करने लगेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, यहाँ अब आप सिचुएशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, है ना। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन करेगा, अगर उसे लिगेंड बनाना है तो, अगर लिगेंड कर रहा हूँ उसे मेटल के साथ जुड़ना है, ये लिगेंड खुद है, ठीक है, ये खुद लिगेंड है। नाइट्रोजन डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, हालांकि ये पॉजिटिव है, अब ये नजर आ रहा है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या ये पॉजिटिव लिगेंड है, क्या हम इसको पॉजिटिव लिगेंड कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो ओवरऑल न्यूट्रल है। अब इसके अंदर एक और जादू होने वाला है, ये ध्यान देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कोई और ले जाता है, क्लियर है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का जाता रहा। अभी देखिए जरा, अभी क्या है, अब ये पॉजिटिव लिगेंड है। यस बेटा समझ में आया? यस। नाउ इट इज पॉजिटिव लिगेंड, क्योंकि अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है लेकिन नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, और इस केस में भी नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर देगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऊपर से पॉजिटिव है, तो वो तो अपना लोन पेयर नहीं डोनेट करने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर वाले में भी अगर हम पहले से करेक्ट कर दें, यहाँ इसको उड़ा देते हैं और ऊपर वाले लिगेंड के अंदर इस जगह पर मैं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। कि मान लो कि नाइट्रोजन का कोई एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो दो इलेक्ट्रॉन बचे थे, दो बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, अब पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा और वो ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यस, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इन्होंने कौन सा एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रोसो नियम आयन एनओ पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन एनओ टू पॉजिटिव, हाइड्रोजोनियम आयन एनएच टू एनएच थ्री पॉजिटिव, ठीक है। अब हम तीनों को डिफाइन करने वाले हैं। नाइट्रोनियम आयन देखो एनओ टू, नाइट्रोजन पर दो ऑक्सीजन लगे हुए, एनओ टू एन डबल बॉन्ड हो और फर्दर इस तरफ भी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तीन होती है, तो चार बना के बैठा है, कैसे बना रहा है पता है? चलो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और एक मिनट, ऑक्सीजन यहाँ पर बैठा है, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, ठीक है, अब दूसरा बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन का खाली पड़ा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बाकी के चार इलेक्ट्रॉन और है। नाइट्रोजन के पास में तीन बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास पड़ा, ठीक है। सुपोज यहां से ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास नहीं है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी और दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर उसके पास ऑलरेडी पड़ा, तो यहाँ पर इसने अट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यस बेटा समझ में आ, और ऑक्सीजन के पास में अपने दो लोन पेयर, दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, टोटल छह इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब हमें देना है, लास्ट शेल में ऑक्सीजन में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना सबको? यस। लास्ट शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो छह इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में, छह के छह इलेक्ट्रॉन का हमें हिसाब किताब रखना होता है, बस इतनी सी बात है। नाइट्रोजन में पांच होते हैं तो पांच का हिसाब रखो, तो चार ने तो बना रखा है बॉन्ड, सीधी सी बात है, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन उड़ गया, सिंपल। क्लियर है बेटा? यस। ये बात समझ में आ गई? तो अब जरा बताइए, नाइट्रोजन कभी भी चार बॉन्ड नहीं बनाता, पता है? चार बॉन्ड बनाता तो उसका ऑक्टेट जो है वो पार हो जाता है, यहाँ पर चार बॉन्ड बना रखे हैं, कैसे, कोई डिफाइन कर सकता है? सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो अब इसके पास, अब वो चार बॉन्ड बना के चारों शेयर करके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, आठ है, आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, वो शेल नेक्स्ट शेल चली जाएगी, नेक्स्ट शेल में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन में तो सेकंड शेल होती है ओनली, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि वेरी बिग हायर एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। समझ में आ गया बेटा?
क्लियर है सभी को? यस सर। या इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं? हाँ भाई, हरलीन, अंकित कुमार, अंकिता। हाँ बेटा, हरलीन बेटा क्या कह रहे थे आप? सब क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अगर इसकी डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल भी दे सकता हूँ। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आ गया था हाइड्रोजोनियम आयन। अभी NH3, हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन, वो चीजें होती हैं। तो NH3, नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड पूरे हैं। अब अगर देखिए, होता है ये NH2, नाइट्रोजन NH2, नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड पूरे हैं विद लोन पेयर, एक एक लोन पेयर भी लगा हुआ है ना, ये समझ में आ गया? नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे, किसी दूसरे को अपना लोन पेयर अगर ये डोनेट कर देती है, तो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन और H2 और एक H और लग जाएगा, तो मैं इसे H3 लिख देता हूँ। और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। ये समझ में आया किसी को? यस। फिर NH2 लगेगा विद दिस, ठीक है, और ये बन गया हमारा हाइड्रोजोनियम आयन, ठीक है। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये क्या करेगा? भले इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है। याद रख लेना, हमारे लिगेंड जो है उनके पास लोन पेयर होना ही चाहिए, इसीलिए वो लिगेंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया सबको? यस। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि लोन पेयर तो होना ही चाहिए एट एवरी कॉस्ट, दिस मस्ट बी देयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तीनों हो गए क्लियर एग्जांपल। अब सेकंड देखो, नाइट्रोजनियम आयन, नाइट्रोजन इज द डोनर एटम एंड इट कैन कंटेन वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वेयर एज नाइट्रोनियम आयन ऑक्सीजन इज डोनर एटम। ये बता रखा उसने, नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर नाइट्रोजन डोनर है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, डायग्राम से पता लग जाएगा। नाइट्रोसोनियम आयन के अंदर ऑक्सीजन है डोनर, नाइट्रोजन नहीं है। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना, ये सेकंड पॉइंट में यही चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो आप देख सकते हैं वहां डायग्राम से आपको क्लियर हो जाए। जितने भी बॉक्सेस के अंदर डायग्राम बने हुए हैं वो सारे हमारे लिगेंड्स हैं, वो बने कैसे हैं वो उनका मैंने थोड़ा बैक एंड स्टोरी बताई है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डायग्राम देखिए। न्यूट्रल लिगेंड्स, देखो पॉजिटिव लिगेंड खत्म हो गए, कितने थे पॉजिटिव लिगेंड? हाइड्रोजोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, ये तीन है। इसके अलावा एक और कोई मिलेगा तो वो हम ऑन द स्पॉट उसी टाइम कर लेंगे। अब जो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, नाइट्रोसोनियम आयन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला लिगेंड होता है, याद रख लेना, नाइट्रोसोनियम आयन बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। एक और आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग CO होता है, लेकिन CO और इसके बीच में कंपटीशन सा चलता रहता है, कभी कभी NO पॉजिटिव को भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, किन कंडीशंस में बोलते हैं, कहां बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों टक्कर गए CO और NO पॉजिटिव, तो इसलिए भी ये पॉजिटिव वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, NO पॉजिटिव वाला, कि ये CO से टक्कर लेता है। ठीक है, तो इसके मतलब कुछ अलग ही तरह के मैटर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों का, CO और ये। CO तो आपको पता लग जाएगा न्यूट्रल लिगेंड के अंदर आ जाएगा वो, है ना। तो चलिए न्यूट्रल लिगेंड करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड वाटर है, NO है, अकेला NO, अब देखो अकेला NO, NO पॉजिटिव नहीं, CO है, NH3 है, तो CO और NH3, NH3 और वाटर, ये तो क्लियर होगा सबको, है ना, वाटर और NH3 बिल्कुल है। अब बात आती है NO की। अब NO का डायग्राम यहाँ न्यूट्रल वाला क्या बना है, देखिए जरा न्यूट्रल वाला NO का डायग्राम, न्यूट्रल में कैसे हो सकता है NO का डायग्राम? नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रही है, बिल्कुल बना रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास अपने दो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है नाइट्रोजन के पास, ये ऐसे ही न्यूट्रल हो सकता है। यस, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर रखेगा यहाँ पर, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह से नाइट्रोजन यहाँ लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए जरा, एक लोन पेयर चला गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। यस बेटा, समझ में आया? ये सिचुएशन चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर अब जरा एक चीज ध्यान दे लेना, क्या इन लोगों के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई फर्क पड़ा है क्या? मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के पास,
चार और दो छह और एक सात, अभी भी सात इलेक्ट्रॉन है टोटल अगर काउंट करो तो, चार शेयर्ड है और तीन अलग है, तो अभी भी आठ नहीं हुए, तो नाइट्रोजन ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। न्यूट्रल न्यूट्रल में एनओ पॉजिटिव, एन पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, सॉरी ओ पॉजिटिव और एन नेगेटिव बन रहा है, बिल्कुल बनता है, और ये रेजोनेंस चलता रहता है, लेकिन ये होता न्यूट्रल है, और ऊपर वाला जो पॉजिटिव था उसमें से नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन डाल दो वो पॉजिटिव आ जाएगा। यस, क्लियर है ना बेटा? यस। ठीक है, ये भी ध्यान से करना, इसीलिए एनओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एनओ को मार्क कर रहा हूँ, और एनओ के साथ साथ सीओ, सीओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। सीओ क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, याद है? मैंने एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आपको एक बार ना वो बताया था, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमें दम घोटू गैस होती है, कलरलेस होती है, अंगीठी जला के सोओगे तो रात को बंदा मर जाता है ना, याद है? वो मैंने बताया था, तो उस टाइम पे उसी में थोड़ा ऐड करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, मतलब किसी के साथ जुड़ता नहीं आसानी से। देखो इसको ना, इसके अलबेले नाम है, मतलब इसका नाम बहुत अटपटा सा है, इसको बोलते हैं वीक वीक डोनर। ये वीक डोनर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता ये आसानी से, ठीक है। और लिगेंड क्या होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये भी करता है, डोनेट तो ही कर देता, बट वीक होता, बहुत मुश्किल से करता है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। समझ में आई बात? वीक डोनर बट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, यानी कि किसी से आप ये सिंपली ये कह सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, यानी ये पहली बात तो चाहता ही नहीं है कि कोई इसके साथ जुड़े, मगर अगर कोई जुड़ गया, गलती से जुड़ गया, तो उसको जाने नहीं देता। समझ में आ? दोबारा नहीं टूटेगा वहां से। वीक डोनर है, बहुत मुश्किल से बॉन्ड बनाता है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो जब ये हमारे ब्लड के साथ जुड़ जाता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ब्लड से हटता ही नहीं है, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, कभी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहा है, और उनको एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो वो कहता है भाई मेरे साथ जुड़ गया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे, तो वो छोड़ता नहीं है, तो वो ना ऑक्सीजन को डोनेट कर पाता है, ना गेन कर पाता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर पाता है। समझ में आ गया? यस। वो उतना ब्लड हमारा खराब हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड जब उससे जुड़ता है, तो जिस भी ब्लड से जुड़ेगा वो खराब हो गया, अब वो काम नहीं आएगा हमारे, तो वो डेड ही होगा। कब डेड होगा? 121 दिन में, लगभग 120 दिन में हमारा ब्लड जो है वो मर जाता है, हमारे ब्लड की सेल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और वो मर के स्प्लीन में जाती है, स्प्लीन उसको तोड़ फोड़ करके और वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड को बिल्कुल हटाता है, और उसके बाद में जाके नया फ्रेश ब्लड आपको मिलता है, तब आपका पूरा एक्टिवेशन कंप्लीट हो पाता है। तो ये है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कलरलेस है, स्मेललेस है, ठीक है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर लकड़ी भी जलाओगे तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, याद रख लेना, लकड़ी कोयला, ऑक्सीजन की एब्सेंस, मतलब एब्सेंस मतलब कह सकते हैं कि कम अमाउंट हो, पूरी एब्सेंस ना हो, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हो लेकिन कम अमाउंट में हो। इसके अलावा पाइरीडाइन, पाइरीडाइन का किसी को स्ट्रक्चर आता है बेटा, प्लस वन में आया था, पाइरीडाइन क्या होता है पता है किसी को? Yes. सर बेंजीन होता, उसमें NH2 लगा। NH2 नहीं बेटा, वो तो एनिलीन होता है, बेंजीन ही होता है, सही है, लेकिन बेंजीन में से एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा देते हैं, नाइट्रोजन लगा देते हैं ना, तो देखिए ऐसा होता है, एक कार्बन भी हट जाता है और हाइड्रोजन भी हट जाता है। नाइट्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर ऐसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यस बेटा, समझ में आ गया? Yes. ये है पाइरीडाइन, ठीक है, ये पाइरीडाइन है। वो इसको जरा बॉक्स कर देते हैं। पाइरीडाइन भी क्या होता है, वो भी एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। इस तरह से ये सारे लिगेंड्स आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, इथाइलिन डायमाइन, ईन बोलते हैं इसे, ई एन, ये मैंने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा, याद है किसी को? यस सर। इथाइलिन डायमाइन, ईन बोलते हैं इसे, ई एन, स्मॉल ई स्मॉल एन, ईन, इथाइलिन डायमाइन। अब ये इसका नाम ऐसा कैसे पड़ा? इथाइलिन क्या होता है बताया कोई? CH2, डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसी का नाम है इथाइलिन। yes,
और एक एसिटाइलिन होता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एसिटाइलिन गैस, ये गैस होती है ना। तो इथाइलिन के अंदर अगर मैं डबल बॉन्ड को हटा देता हूँ, डबल बॉन्ड को हटा दिया, इथाइलिन का डेरिवेटिव बना रहा हूं मतलब उससे, और डबल बॉन्ड हटा के इस कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली, इसकी एक खाली, इसके साथ भी NH2 लगा दिया, इसके साथ भी NH2 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इथाइलिन का डेरिवेटिव, इसका नाम इथाइलिन है और डाइअमाइन लगा हुआ है तो दो अमाइन, तो इसलिए इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइअमाइन। यस बेटा समझ में आ गया नेम? यस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो आप ऐसा बना सकते हो, इन्होंने स्ट्रेट लाइन में दिखा रखा है, तो इस इज योर्स। ठीक है, क्लियर है? एल्कोहल न्यूट्रल होता है ये भी, है ना, एल्कोहल। तो इसमें डोनेट कौन करता है भाई, सबसे पहली बात इसमें नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और वाटर में कौन डोनेट करता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, दो में से एक। ठीक है, सीओ में, सीओ के अंदर कौन करता है, सब सीओ का डायग्राम बनाना भूल गया मैं, है ना। चलो सीओ के बारे में बताता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और कार्बन की दो वैलेंसी खाली, यस खाली है ना, दो वैलेंसी, कार्बन के पास लोन पेयर तो होता नहीं बट यहाँ है, और हमें पता है अगर एक वैलेंसी खाली हो चाहे दो वैलेंसी खाली हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तीनों केसेस में पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या कार्बीन, इसको कार्बीन बोल सकते हैं ना, दो वैलेंसी खाली है, तीनों केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर होता है इनका, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, हालांकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, फिर भी ये वो कार्बन को डोनेट कर रहा है, क्यों डोनेट कर रहा है ये समझ में आया होगा, क्योंकि कार्बन के पास में दो फ्री वैलेंसियां पड़ी हैं और अब इस पे नेगेटिव आ गया, क्यों, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिया, एक शेयर हो गया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और ये नेगेटिव आ गया, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर रुका हुआ होता है। तो कौन डोनेट करेगा, कार्बन डोनेट करेगा, लेकिन याद रखना ये वीक डोनर होता है, क्यों, कार्बन डोनेट तो करता है इलेक्ट्रॉन्स नो डाउट, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो एक बार डोनेट कर देता है, कार्बन को वापस छीन लेता है, तो कार्बन को डोनेट करने नहीं देता ऑक्सीजन, समझ में आ गई बेटा बात, यस है ना, कार्बन को ऑक्सीजन डोनेट नहीं करने देता है किसी भी तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन वापस छीन लेगा तो कार्बन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, और कार्बन न्यूट्रल रहेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा तो वो डोनर नहीं बनेगा, इसलिए वो अच्छा डोनर नहीं है, लेकिन अगर मौका लग गया गलती से और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, फिर ऑक्सीजन को डोनेट करके रखने पड़ेंगे और वो इतना स्ट्रॉन्गली चिपक जाएगा इधर उधर से वो छोड़ेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। यस क्लियर है बेटा? यस सबको क्लियर है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला डायग्राम सबको क्लियर है ना? यस सर। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ दीज आर मोर इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिगेंड्स अपने आप याद हो जाएंगे अगर डायग्राम आपको याद है तो। ठीक है, तो इथाइलिन डायअमाइन को ईन बोलते हैं भाई, ई एन, That is called EN, यहाँ पे इसको mention कर देता हूँ, EN, short form में EN बोलते हैं, ठीक है? फिर ethanol आ गया, ethanol भी ligand है, neutral है, ये सारे neutral ligand, ठीक है? अब उसके बाद देखो, अब इसने example दिया nitrosyl, ऊपर क्या था, NO ही था, NO positive nitrosonium ion, ठीक है? और NO2 positive था nitronium ion, और ये है nitrosyl, yes बेटा clear है, नाम में थोड़ा difference है, सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, मेरी आवाज आज आप लोगों को ऐसे लग रही होगी ना जैसे मैं एनर्जी कम है ना, yes. लग रही है ऐसा, yes. लग रहा हो जैसे टीचर सो रहा है हमारा आज, है ना, ऐसा नहीं है बेटा, मेरे से बोला नहीं जा रहा, थोड़ा सा ना शरीर टूटा पड़ा है मेरा बुखार में, आज मैं नहाया भी नहीं हूँ, ठीक है, बट नो वरी, नहाने से क्या फर्क पड़ता है ना, कौन सा आपके सामने हूँ मैं जो स्मेल आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है वैसे, बट एटलीस्ट रात को बुखार हो गया था काफी तेज, और उसके बाद दवाई वगैरह ली तो बुखार उतर तो गया था, लेकिन शरीर की जान से निकाल रखी है, इसलिए बोला भी नहीं जा रहा बहुत स्ट्रॉन्गली, बट नो वरी, ठीक है, आज का काम चला ना। देखो क्या होता है, मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, या मुझे भी फील हो रहा है, जब टीचर को किसी पॉइंट पर जोर लगाना होता है ना, मतलब ये फोकस करना होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जोर से बोलता है, फोकस करके बोलता है, अगर मैं एक ही टोन में बोलता रहूंगा तो आपका लेक्चर अपने आप अनइंटरेस्टिंग बन जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जब टीचर फोर्सफुली जोर लगाता है तो दिमाग आपका भी एक अलग सी घंटी आपको देगा कि हाँ हाँ ये वाला पॉइंट कहा है सर, समझ गए ना, तो वैसे करके टीचर की पिथ में वेरिएशन होती रहती है, ठीक है, यहाँ पर मैं वो वेरिएशन थोड़ी कम कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ना। आर बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर लिगेंड्स कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अब ये देखो ये एक अच्छी चीज इसने बताई है,
एनओ और सीओ जो होते हैं बोथ डोनर होते हैं एंड एक्सेप्टर लिगेंड, ये डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। कैसे, अब ये बता देता हूँ आपको। एनओ को बाद में डिस्कस करेंगे, सीओ है मान लो ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पर क्या था पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर और इसके पास में लोन पेयर, तो ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको मेटल को। तो डोनेट करने के बाद क्या आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव न्यूट्रल था, नेगेटिव आया था न्यूट्रल हो गया, बट ऑक्सीजन आपको पता है ये लोन पेयर जरूर वापस छीनेगी, छीनेगी कि नहीं छीनेगी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। यस बेटा समझ में आ रहा है ये? यस। तो इससे क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव आना शुरू होगा, तो कार्बन क्या करता है मेटल का कोई लोन पेयर वापस ले लेगा, मेटल का लोन पेयर वापस ले लेगा कार्बन, तो यानी डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरह से ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर आ जाएंगे। तो अब आपको सिंपल लग रहा होगा ना, सिंपल था कैसा, कार्बन के चार बॉन्ड है, मेटल ने दो डबल बॉन्ड बना रखा, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है कि ये जो मेटल के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड है ये वैसा वाला नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है जो जनरली बनाता, अब हमें पता है चार वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों पूरी तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। देखो अब ये सिंगल बॉन्ड तो ठीक है, ये जो दूसरा मेटल ने जो डोनेट किया था ना ये कार्बन के नॉर्मल वाले ऑर्बिटल में नहीं आता, ये आता है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये दूसरे वाला डबल बॉन्ड जाता, तो ये स्पेशल डबल बॉन्ड है, ये नॉर्मल वाला डबल बॉन्ड नहीं है। ये बात समझ में आ गई? यस। है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है, जब हम इसको आगे डिटेल में करेंगे। तो इस तरह से क्या करता है, ये डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, कर रहा है ना, डोनर और एक्सेप्टर दोनों है। यस क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए, और ऐसे ही एनओ भी होता है, एनओ, एनओ का डायग्राम हमने बनाया था, कहाँ बनाया, ये रहा एनओ, क्या नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर न्यूट्रल आ जाएगा, बट ऑक्सीजन ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस छीनना चाहती है। तो मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया क्या, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है भाई, ऐसी कोई बॉन्ड की गलती हो सकती है, सही है ना। हाँ, अब ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से लोन पेयर वापस छीनेगी, अगर ऑक्सीजन यहाँ से वापस छीनेगी तो नाइट्रोजन फिर मेटल से छीनेगा, सेम कहानी जैसा एनओ और सीओ में हुआ था। यस बेटा क्लियर है सबको? यस। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं नाइट्रोजन और कार्बन में, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। और ये क्या है, पहला बॉन्ड तो उन्होंने सिग्मा बनाया, सिग्मा बनाया ना, और दूसरा बॉन्ड बनाया पाई, पाई कौन सा बना, जब वापस लिया तो पाई बॉन्ड बनेगा और वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, बस ये याद रख लेना। क्लियर है बेटा सबको? यस। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट देखो, वाटर एक्वा, हाँ ये लिगेंड्स के लिए नाम क्या लिखते होते हैं, वाटर के लिए एक्वा है, पानी नहीं बोल सकते, NH3 के लिए अमाइन है, NO के लिए नाइट्रोसाइल है, NO नाइट्रोसाइल ऊपर लिखा हुआ था, कार्बोनाइल, CO के लिए कार्बोनाइल है, O2 के लिए डाई ऑक्सीजन है, N2 के लिए डाई नाइट्रोजन है, ये इनके नाम है। द नेम ऑफ द लिगेंड इज यूजुअल एज देयर इज नो चेंज एट ऑल, तो ये इतने यूजुअल होते हैं कि इनमें कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, ये लगभग सेम से ही रहते हैं। क्लियर है? Yes. मतलब नाम में कोई ज्यादा आनी जानी नहीं है, सिंपल बात ही है। आगे देखते हैं बेटा, अब इन्होंने कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं, तो देखो हम डायग्राम देखते हैं। OH नेगेटिव का डायग्राम, OH तो सबको पता होगा ना, नेगेटिव लिगेंड, इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। OH ऑक्सीजन पर देखो वाटर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, और वाटर का मोलिक्यूल है ये, लो H पॉजिटिव आयन चला गया यहाँ से H पॉजिटिव आयन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, समझ में आया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा रख दिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बस इतना, OH नेगेटिव। यस बेटा, तीन लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में, बस ये याद रख लेना, OH नेगेटिव में। हाँ भाई क्लियर है सबको? यस। है ना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन नेगेटिव, ये तो ये भी सबको पता होगा, Cl क्लोरीन के पास में तीन लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड पेयर है, H यहाँ से छोड़ के चला गया, H अगर छोड़ के जाएगा तो क्लोरीन के पास टोटल कितने हो गए, चार लोन पेयर हो गए। यस बेटा, और एक नेगेटिव चार्ज। हाँ जी क्लियर है ये? यस। बहुत आसान वाले हैं, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सबको आना चाहिए। साइनाइड नेगेटिव CN, ये हमने कल किया था, लेकिन इसका नेगेटिव कहाँ होता है, कैसे होता है, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ में तीन बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है, एक कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर पड़ा है, तो कार्बन क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, याद रख लेना, अकेला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूट्रल एटम पर है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, फ्री रेडिकल कह लो, ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या आएगा, कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद में कार्बन के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ऑलरेडी सी एन नेगेटिव है, तो एक और इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी से छीन के रखता, ठीक है सर। हाँ बेटा सर, आपने ऊपर भी तीन बॉन्ड बनाया, नीचे भी। हाँ हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, देखो कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन छीन के रखता है, ये गलत कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी ना, ठीक है। तो देखो ये डबल ही रहेगा, बाद में तीसरा बनेगा। तो कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी से छीन के रखता है, तो ऑलरेडी कार्बन नेगेटिव है, ध्यान रखना ये कार्बन नेगेटिव होता है साइनाइड वाला। तो जब नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता है तो क्या होगा भाई, कार्बन पर टू नेगेटिव आ जाएगा, ये समझ में आया क्या, ऐसा होगा सर, एक पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ वो पॉजिटिव से कैंसिल तो हो जाएगा, पर क्या कार्बन पर टू नेगेटिव आएगा क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ, कार्बन पर टू नेगेटिव, इज दिस पॉसिबल, कार्बन पर टू नेगेटिव पॉसिबल है क्या। छह और दो आठ इलेक्ट्रॉन कार्बन के, आठ पूरे हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर डोनेट कौन करेगा, कार्बन ही डोनेट करेगा, यही साइनाइड के अंदर थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बात होती है कि कार्बन ही डोनेट करेगा। यस, और दो नेगेटिव होगा कार्बन पर, तो एक पॉजिटिव नाइट्रोजन पर है, तो ओवरऑल वन नेगेटिव ही बचा पूरे मॉलिक्यूल पर। यस बेटा समझ में आए, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब हम बॉन्ड बनाएंगे तब मैं आपसे ये चीजें पूछने वाला हूँ, कौन कहाँ पर कैसे अटैक करता है। OH हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया वाटर न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल हमें बताया था, NO के ऊपर एक ये फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखा रखा है ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे डबल बॉन्ड के केस में, अगर और नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर होने वाला है, ठीक है, बट ये क्या करता है ऑक्सीजन इधर से डोनेट कर देता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये ऐसा होता है। इन्होंने कहीं पर भी लोन पेयर वगैरह को नहीं शो किया, इसलिए मैं सबके ऊपर लोन पेयर बना रहा हूँ। OH क्लोरीन साइनाइड नेगेटिव, फिर से बना दिया। चलो इसमें क्या कहता है भाई, न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव लिगेंड, सॉरी न्यूट्रल कह रहा हूँ, ठीक है। हियर आर द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन क्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, OH में ऑक्सीजन पर, Cl में क्लोरीन पर, और यहाँ CN में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यस, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना सबको, यस आ गया था। नेमिंग, रिमूव ई नेगेटिव एट द एंड ऑफ द एंड ऑफ द एंड ऑफ नेम ऑफ द एनायन एंड एड ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ द एनायन लिगेंड, एनायन लिगेंड के आगे वो एड कर दो, ठीक है, ई हटा दो, ओ जोड़ दो, ये बकवास सिस्टम है, सीधा याद कर लो ज्यादा अच्छा है। क्लोराइड क्लोराइडो, फ्लोराइड फ्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आयोडाइड आयोडाइडो, ई हटाओ ओ लगाओ, साइनाइड साइनाइडो, थायोसाइनेट थायोसाइनेटो, सल्फेट सल्फेटो, थायोसल्फेट थायोसल्फेटो, सल्फाइट सल्फिटो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो, ऑक्साइड ऑक्साइडो। यस बेटा क्लियर है सबको नेम, यस, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। अब बात आती है, ये तो था नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड, तो हमने ये सारे कर लिए, तो अब बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेस पर भी इनको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, वही एग्जांपल आएंगे घूम फिर के, क्योंकि टोटल लिगेंड तो वही है, उनको नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल ले लिया, अब हम उसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, अलग तरह से उसको क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइड करेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेस्ड अपॉन द डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी क्या होती है, एक लिगेंड मेटल से कितने साइडों से जुड़ सकता है, कितनी साइडों से लिगेंड जुड़ सकता है, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए सिंगल लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सिंगल मेटल एटम आर नोन एज डेंटिसिटी, ये मैंने कल डेफिनेशन लिखवाई थी, है ना, याद है, yes. यहाँ पर ये थोड़ा परफेक्ट से तरीके से लिखी हुई है, मैंने थोड़ा सा सिंपल करके लिखवाई थी, तो बात वही है, डेंटिसिटी का मतलब कितने चारों तरफ से कितने एटम से जुड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो, नीचे दिखा रखा है इथाइलिन डायमाइन का, तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करती, किसको करेगी डोनेट, मेटल को, तो ये दो तरफ से जुड़ रही है मेटल के साथ, इसकी इसलिए इसकी डेंटिसिटी, इसके दांत कितने हैं, दो दांत, मतलब ये कितने साइडों से मेटल को पकड़ सकता है, पकड़ सकता है, जबड़े से पकड़ते हैं ये लोग, इनका इनको बोलते हैं डेंट, इनके दांत हैं,
तो ये मेटल को दो साइड से पकड़ सकता, तो इसकी डेंटिसिटी 2 जो 3 से पकड़ सकता, 3 जो 1 से पकड़ सकता, मोनोडेंटेट, डाईडेंटेट, डाई को बाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोनो, डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट, हेप्टाडेंटेट, ऑक्टाडेंटेट भी लिगेंड होते हैं। यस बेटा, सबको समझ में आ गए? ठीक है, पॉलीडेंटेट भी बोल देंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर वर्सेस डेंटिसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, वेयर एज द डेंटिसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ द एटम सिंगल लिगेंड दैट कैन बाइंड टू द। अब भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पहले तो मेरे को ये चीज बताइए, किसी को आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पता है? नहीं पता सर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बताता हूँ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मान लो जैसे हमने कल एक एग्जांपल किया था, Fe साइनाइड 6 थे, याद है? 6 साइनाइड लगे हुए थे, तो देखो इसमें कौन जुड़ता है, कौन जुड़ेगा पता है? कार्बन जुड़ेगा ना आयरन से, yes. तो कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं आयरन के साथ में? 6 कार्बन, कार्बन कार्बन एटम जो हैं वो 6 हैं जो आयरन से अटैच्ड हैं, तो यानी जो टच कर रहे हैं, पड़ोसी जो टच कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया? yes. है ना, सबको क्लियर है? जो टच कर रहे हैं, तो देखो आयरन को 6 तरफ से कार्बन टच कर रहा है। डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी वो एक लिगेंड कितने साइड से जुड़ सकता है? दो साइड से, दो साइड से जुड़ सकता है ना। तो जरा सोचिए इसके अंदर इसमें एटम कितने हैं? 4 है, दो कार्बन भी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर कितना होगा इस लिगेंड का? 2, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं, यही टच कर रहे हैं जो जुड़ रहा है, और जो दूर है वो बेशक इसका पार्ट है पर जुड़ तो दो ही रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होगा, और डेंटिसिटी क्या होगी इसकी? डेंटिसिटी भी 2 है। समझ में आ गया? यस सर, कोऑर्डिनेशन नंबर एक और बता दो। जितने क्या बोलते हैं पड़ोसी, नेबरिंग एटम जुड़ते हैं सेंट्रल एटम को, टच कर रहे हैं, जुड़ते नहीं टच कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, नेबर एटम कितने टच कर रहे हैं? तो देखो ऊपर वाले केस के अंदर, देखो आयरन के केस में, यहाँ पर साइनाइड वाले केस में कितने कार्बन एटम है जो आयरन को टच करेंगे? 6 है, 6 के 6 साइड कार्बन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है, CN नंबर 6। अब बात करते हैं इसकी डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी का मतलब है कि कितने एक लिगेंड में, एक सिंगल लिगेंड में कितने एटम हैं जो उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे वो टच भी करेंगे, याद रख लेना। मतलब किसी एक सिंगल लिगेंड में कितने एटम उसको टच कर रहे हैं, सिंगल लिगेंड के कितने एटम टच कर रहे हैं, वो है डेंटिसिटी, ठीक है, सिंगल लिगेंड की डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी तो सिंगल लिगेंड की होती है। अब अगर मान लो ऐसा ऐसा कर लेते हैं हम, है देखिए मेटल है, इसके साथ में दो इन जुड़े हुए हैं, इन को हम ऐसे दिखाते हैं, एक तो इस तरफ से जुड़ा है, एक इस तरफ से जुड़ा है, ठीक है, नाइट्रोजन जुड़ी हुई है, और दूसरा यहाँ पर भी इन है, एक इस तरफ से जुड़ा है, एक इस तरफ से जुड़ा है। तो बताइए इसके अंदर टोटल लिगेंड कितने हैं? सर दो ही है लिगेंड, दो ही है, इन तो दो ही लगे हैं, और लिगेंड्स में नाइट्रोजन एटम टच करता है ना मेटल को, नाइट्रोजन एटम, यस बेटा, तो कितने लिगेंड्स इसमें, इसकी डेंटिसिटी कितनी आएगी? एक डेंटिसिटी तो 2 है, डेंटिसिटी तो 2 आएगी, 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा ये बताओ? सर 4। जितने भी मेटल एटम है, सॉरी जितने भी मेटल एटम को टच करने वाले एटम है वो होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टच तो 4 करेंगे, क्योंकि एक इन में 2 कर रहे हैं, एक इन की डेंटिसिटी 2 है, टोटल 2 इन लगे हैं, तो टोटल टचिंग एटम, टोटल नेबर, टोटल पड़ोसी एटम जो टच कर रहे हैं, टोटल पड़ोसी, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के बराबर में घर है वो आपका पड़ोसी है, उससे दूसरी तरफ भी बराबर में घर है वो भी पड़ोसी, एक बैक साइड में घर है वो भी पड़ोसी है ना। फ्लैट सिस्टम को छोड़ देते हैं, वरना छत पे भी पड़ोसी होगा, होगा, लेकिन फ्लैट को छोड़ दो, तो आपके 3 साइड से दीवार भिड़ रही है आपके पड़ोसियों की, तो 3 नेबर्स हैं आपके, समझ में आ गया? अब एक नेबर के बहुत सारे, अब 3 नेबर्स हैं, अब यहां पर देखिए 2 इन है, 2 इन मतलब 2 ही लिगेंड है, लिगेंड 2 है, और एक लिगेंड की 2 डेंटिसिटी है, तो दोनों लिगेंड के टोटल 4 पड़ोसी बन जाएंगे जो आपको टच कर रहे हैं, जो मेटल को टच कर रहे हैं, लिगेंड 2 है बट पड़ोसी 4 हो गए जो टच कर रहे हैं। समझ में आ गया? यस, यस, है ना,
तो ये लिगेंड और डेंटिसिटी में ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर वर्सेस डेंटिसिटी था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ऑक्सालेट आयन हैव डेंटिसिटी 2, हैव 2 ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट विद द मेटल NH3 हैज 1 डेंटिसिटी, डोनर एटम इज 1 ओनली। ऑक्सालेट आयन क्या होता है अब ये बता देता हूं। CH COOH और यहां पर भी COOH, अब इनका H उड़ा दो, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और OH, दो और एक तीन और एक चार, तो इसका एक्चुअल में डायग्राम कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O और O, इसके साथ H लगेगा, फिर यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और O, और इन दोनों के साथ क्या लगता है, HH लगता है। ये समझ में आ गया बेटा? तो कार्बन की चार वैलेंसी पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इस कार्बन की भी हो रही है, ऑक्सीजन की दो पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हाइड्रोजन की वन पूरी हो रही है, बिल्कुल हाइड्रोजन की वन भी पूरी हो रही है। तो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा दूं, इफ आई रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम देम, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, क्लियर है? तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, डेंटिसिटी टू हो जाएगी, एक लिगेंड दो जगह से जुड़ सकता है, और डेंटिसिटी का मतलब ये भी है कि वो रिंग बनाएगा पक्के तौर पर, है ना, जो दो साइड से कम दो साइड से जुड़े, तीन भी जुड़ सकती है, चार भी जुड़ सकते हैं, आगे हम करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएंगे, ठीक है। तो डेंटिसिटी है दो, यानी दो साइड से जुड़ सकता है, सिंपल, तो इसकी डेंटिसिटी हो गई दो। अब बात आती है कि ये रिंग बना लेगा, क्योंकि दो डेंटिसिटी तो पक्के तौर पर रिंग बनेगी, रिंग कितनी बन रही है, पेंटागनल रिंग बन रही है, यस यस, डबल बॉन्डों को कंसीडर मत करना, रिंग में तो वो जो एक साइकिल बना रहा है रिंग, तो पेंटागनल रिंग बन रही है, और इसके नेबरिंग एटम कितने हैं, एक ही लिगेंड जुड़ा है तो दो नेबरिंग एटम है, दो टच कर रहे हैं एटम, तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दो, डेंटिसिटी होगी दो, अगर दो एटम एक और ऑक्सैलेट आयन मेटल से जुड़ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा चार, डेंटिसिटी अभी भी दो ही रहेगी, और पेंटागनल पेंटागनल रिंग बनेगी, यस, समझ में आ गया सबको ना सर? तब तो दो पेंटागन आ जाएंगे ना? हाँ, दो पेंटागन, दो अलग अलग रिंग बनेंगे ना, ठीक है, हाँ, वो दूसरा जुड़ेगा, दो अलग अलग रिंग बनेंगे, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर इन्होंने ऑक्सैलेट आयन दिखा रखा है, ऑक्सैलेट आयन, तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, ऑक्सैलेट है ये, ऑक्सैलेट आयन है, ठीक है। आगे देखिए अब जरा, इफ वन ऑक्सीजन एटम इज कनेक्टेड विद द टू मेटल एटम, इट इज डेंटिसिटी विल बी 1 इंस्टेड ऑफ 2। एक ऑक्सीजन एटम जो है अगर वो दो मेटल से जुड़ती है, अब यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक ऑक्सीजन दो अलग अलग मेटल से जुड़ रही है तो उसकी डेंटिसिटी 1 मानी जाएगी, दो नहीं मानी जाएगी, ये बात समझ में आई सबको? मान लो यहाँ ऑक्सीजन है और ये मेटल इधर जुड़ा है और ये मेटल इधर जुड़ा है, तो आप इसकी डेंटिसिटी दो नहीं मानोगे, एक ही मानोगे, क्योंकि मेटल के साथ में एक लीगेंड कितने एटम के साथ जुड़ा है, एक लिगेंड के साथ कितने मेटल जुड़े हैं ये नहीं है, एक लिगेंड मेटल के साथ कितने एटम्स के साथ में जुड़ा है वो होती है डेंटिसिटी। समझ में आ गया बेटा? यस सर, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ लिगेंड इट इज ऑक्सैलेट वाला एग्जांपल है, इसमें भी अलग अलग मेटल से जुड़ सकते हैं ना ऑक्सीजन? हाँ, अगर अलग अलग से जुड़ेगा तो डेंटिसिटी जो है वो 1 हो जाएगी ऑक्सैलेट आयन की। लेकिन देखो ऑक्सैलेट आयन जो है, ऑक्सैलेट आयन के अंदर अगर हम बात करें लिगेंड की, तो लिगेंड की डेंसिटी तो दो ही रहेगी, ठीक है, बट इंडिविजुअली वो सिंगल सिंगल में बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, बेस्ड अपॉन द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड इट इज क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट, मतलब सिंगल है, डाई बाईडेंटेट को डाई नहीं बाई, बाई नहीं डाई बोलेंगे, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, ठीक है, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट मतलब बहुत सारे जुड़े। तो मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल भाई बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हैं, वाटर वगैरह ये मोनोडेंटेट में आते हैं, है ना, तो देखो वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 है, क्लोरीन नेगेटिव है, ऑक्साइड है, वो सारे मोनोडेंटेट में है, ठीक है, क्लियर है बेटा। बाईडेंटेट देखो अब जरा, मोनो मतलब एक, बाईडेंटेट में इथाइलिन डाइअमाइन, इन बोलते हैं इसको, ये हम एग्जांपल कर चुके हैं, यस बेटा सबको क्लियर है? सर इसमें ऑक्सैलेट भी, हाँ ऑक्सैलेट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक से ज्यादा एग्जांपल हो सकते हैं किसी के भी, सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। पॉलीडेंटेट का मतलब
दो मोर देन टू वालों को पॉली बोल देते हैं, ट्राई ट्राई टेट्रा पेंटा हो सकता है मोर देन टू, ठीक है। डाइईन, डाई देखो इसको डाइईन बोलते हैं, एक ईन था ना ईन, इथाइलीन डाइअमाइन, अब डाइईन की बात है, डाइईन दो ईन लगे हुए हैं तो डाई इथाइलीन ट्राइअमाइन इसका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म अब आपको याद रखना। और ये पॉलीडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है ये, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो अभी मैं सिखाता हूँ इसको, ठीक है। ट्राइडेंटेट लिगेंड एड इट हैज थ्री डोनर एटम, तो इसके पास थ्री डोनर एटम होते हैं, ठीक है, ये ट्राइडेंटेट है। देखते हैं ये नेक्स्ट पेज पर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये रखा है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर क्या था पता है भाई, यहाँ पर हमें पता है ईन का डायग्राम क्या था, ये NH2 लगा दो और इतना इतना ये काट दो, ये लो ये बन गया ईन। यस बेटा ये समझ में आया, ईन इथाइलीन डाइअमाइन यही है अपना। Yes, sir. अब इसमें से हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एच यहाँ से उड़ा दिया, इधर से भी उड़ा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से उड़ा दिया एक एच, और उसके साथ में फिर से CH2 और NH2 जोड़ दिया। अब एक ही NH2 जुड़ेगा, याद रख लेना, CH2 और एक ही NH2। तो देखो नाइट्रोजन ही लोन पे डोनेट करता अपना, तो यहाँ तीन नाइट्रोजन लोन पेयर करेंगे डोनेट मेटल को, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई, थ्री। तीन एटम जुड़ रहे हैं, एक ही लिगेंड के तीनों एटम हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में तीन रहेगा। अगर ऐसा ही तीन वाला एक और जुड़ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर छह हो जाएगा, लेकिन डेंटिसिटी वही तीन ही रहेगी क्योंकि लिगेंड की डेंटिसिटी तो नहीं बदलने वाली है। यस क्लियर है बेटा, ये समझ में आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए डाइईन, इसका नाम है डाइईन, डाइईन का मतलब डाई इथाइलीन, इथाइलीन क्या था ये, डाइअमाइन था, इथाइलीन ट्राइअमाइन अब इसका नाम होगा, डाई डाई इथाइलीन, इथाइलीन ट्राइअमाइन। इथाइलीन तो दो ही, देखो देखो दो इथाइलीन है, CH2 दो बन रहे हैं इथाइलीन, यस यस सर, और ट्राइअमाइन तीन अमाइन से जुड़े हुए हैं, ट्राइअमाइन ये नाम है इसका डाइईन, ठीक है, डाइइथाइलीन ट्राइअमाइन। इसमें तीन नाइट्रोजन होंगे तो देखो हमारा ईन क्या था, इथाइलीन डाइअमाइन सिर्फ इतना सा था, यहाँ एच टू लगा हुआ था, इस एच टू को उड़ा दिया, एच टू को उड़ाते ही एक वैलेंसी खाली होगी, उसके साथ सी एच टू और एन एच टू एक और जोड़ दिया, इतनी सी चेन। अब आगे फिर से यही CH2 और NH2 फिर से जोड़ सकते हो, डाई की जगह वो ट्राइईन हो जाएगा, फिर यहाँ से एक एच हटा के यहाँ पे भी CH2 और NH2 जोड़ सकते हो, फिर वो टेट्राइन हो जाएगा। यस बेटा समझ में आया, यस सर, नीचे वो टेट्राइन वाला एग्जांपल लिखा हो वही, वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है, तो ये समझ में आएगा तो वो समझ में आएगा, क्लियर है, यस सर। तो देखिए अब इसकी डेंटिसिटी, क्योंकि नाइट्रोजन ही डोनर है, तीन नाइट्रोजन डोनर एटम है, ठीक है, ट्राइअमाइन है ना ये, ट्राइअमाइन, तो इसलिए थ्री डेंटिसिटी। अब टेट्रा समझ में आ गया, आगे बढ़ूं, बोलो, यस सर, ठीक है, तो टेट्रा डेंटेट लिगेंड क्या होगा, तो इसको ट्राइईन बोलते हैं, देखो ट्राइईन, ट्राई इथाइलीन, इथाइलीन तीन है, देखो CH2 ट्राई इथाइलीन है और टेट्रा अमाइन है, अमाइन देखो चार है, एक दो तीन चार है ना, चार अमाइन है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ट्राई इथाइलीन टेट्रा अमाइन। यस बेटा क्लियर है, यस ये अमाइन में सिंगल एम आता है क्या, या डबल एम आता है, सिंगल सिंगल एम आता है, ठीक है बेटा मैं फिर स्पेलिंग गलत लिखी थी, AMIN, ठीक है, ट्राइअमाइन, तो यहाँ टेट्राअमाइन आ जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, तो हमारे पास एक ये था, ये है एक ईन इथाइलीन डाइअमाइन, इसका एच उड़ा दिया इस नाइट्रोजन का हमने, यहाँ से एच उड़ गया और इसके साथ में ये यूनिट जुड़ गई NH2 वाली, तो ये ट्राई और डाइईन वाला बन गया, फिर यहाँ से फिर से एच उड़ा दिया एक और, यानी ये NH2 था तो NH बना दिया इसको, दोनों तरफ से कार्बन चेन, और ये फिर से NH2 वाला एक और जुड़ गया, और ऐसे करके आप जोड़ सकते हो, क्लियर है सबको, तो ये टेट्राइन बन गया। इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 1 2 3 4, चार तरफ से ये मेटल को, यानी यहाँ पर अगर मैं मेटल रख दूँ तो चारों तरफ से मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मिलेगा इसकी तरफ से नाइट्रोजन की तरफ से, और ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, याद रख लेना सारे के सारे, है ना, कोई चार्ज नहीं है। पेंटाडेंटेट लिगेंड, अब पेंटाडेंटेट कौन से होते हैं, जिनमें जिनकी डेंटिसिटी पांच होती है, ये डायग्राम आपको मुश्किल से लग रहा होगा ना, इथाइलीन डाइअमाइन ट्राई एसिटेट, EDTA बोलते हैं इसे, EDTA इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नहीं लिखा हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ये है ई, नीचे लिखा हुआ है नीचे वाले में, ई डी टी ए, इसका फुल फॉर्म इथाइलिन, डी का मतलब डाई, एमाइन, ठीक है डाई एमाइन इकट्ठा पड़ा जाए, ट्राई एसिटेट, टी का मतलब ट्राई है, ए का मतलब एसिटेट, इथाइलिन डाई एमाइन, तो पेंटा डेंटेट भी हो सकता है और हेक्सा डेंटेट भी हो सकता है, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटेट, हेक्सा डेंटेट कब होगा और पेंटा डेंटेट कब होगा, तो इसका हम एग्जाम्पल करते हैं भाई, इथाइलिन फिर डाई एमाइन, तो सबसे पहले तो इथाइलिन का डायग्राम बनाते हैं, सी एच टू और ये सी एच टू, यस बेटा ये तो इथाइलिन बन गया, डाई एमाइन बना देते हैं, एनएच टू था यहाँ भी, एनएच टू था, इथाइलिन डायमाइन बन गया, एनएच टू एनएच टू, यस क्लियर है। अब मैं इसका एक एक एच उड़ा रहा हूँ, उड़ा दिया मैंने एक एक एच, एक और एच उड़ा दूं, सोचो ये एच भी उड़ा दिया, रुको ये एच भी उड़ा दिया इसका, तो नाइट्रोजन की दो दो वैलेंसी कम होगी, यस यस सर, तो मैं यहाँ पर ये ऐसे जोड़ रहा हूँ, देखिएगा जरा यहाँ एसीटेट आयन जोड़ रहा हूँ, अब एसीटेट आयन क्या होता है पता है, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, यहां पर भी वही C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, यस बेटा समझ में आए, तो चार एसीटेट हो गए, यस और नॉट, यस सर, इथाइलीन डाइएमाइन तो ये था, अब इसका डेरिवेटिव है तो एन एच बेशक एच टू उड़ चुका है इसका, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से हटाए, दो इससे हटाए, दोनों के साथ दो दो टेट्रा एसिटेट, चार एसिटेट जोड़ दिए, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, दैट इज कॉल्ड ईडीटी, तो इसकी डेंटिसिटी 4 हो सकती है, मेटल चार मेटल इससे जुड़ सकते हैं, यस जुड़ सकते हैं, डायग्राम में तो दूसरा दिया हुआ है, अरे बताता हूं सुनो पहले, ठीक है वो भी बताता हूं, ठीक है चार जुड़ सकती है, अब एक और चीज देखो, नाइट्रोजन ये भी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, पांचवा, अब आपको लगेगा इतना पीछे से कैसे करेगा, ये हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसका जो यहाँ इन्होंने बना रखा है, ठीक है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आया, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, ईडीटी की डेंटिसिटी 6 होती है, यस क्लियर है सबको, यस सर, ठीक है तो वो 6 होती है या हो सकती है कैसा भी मान लीजिए उसको, तो अब हम उसको थोड़ा बेटर तरीके से बनाएंगे, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, अब देखो इस डायग्राम को पहले समझते हैं कि ये डायग्राम कैसे काम करता है, फिर आपको बेटर समझ में आएगा, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट इन्होंने दे रखा है लेकिन यहाँ पर वो एसिटेट आयन वहां कैसे काम कर रहा है, तो देखो C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, इसमें A की डेंटिसिटी होगी, ये नेगेटिव O नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है उसके बाद में सी एच टू आएगा, सी एच टू लगाओ उसके बाद, फिर आ गया एन एच, ठीक है यानी एसिटेट इसके अंदर क्या बनाया अभी इसने, मैंने कुछ गड़बड़ बनाया गया, फिर उसके बाद एसिटेट लगेगा ना, तो ये बनेगा सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव सी एच टू, अब मैं इसका पूरा वो नहीं दिखा रहा हूँ, एक्सपेंड नहीं कर रहा, इसे थोड़ा इजी हो जाएगा, सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव एसिटेट ये होता है भाई, ठीक है एसिटिक एसिड से बनेगा एसिटेट है ना, तो एसिटिक एसिड में दो कार्बन होते हैं तो वही एसिटेट आयन बनाएगा, तो ये देखिए चार डेंटिसिटी होगी, ये है ईडीटी है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, तो ये देखो ये एक एसिटेट आयन है, ये इतना इतना, ये समझ में आ गया, और ये एक इसकी एक डेंटिसिटी है इधर दिखा रही है, फिर इसके पीछे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये लगा हुआ नाइट्रोजन, एक एसिटेट के पीछे इस एसिटेट के पीछे ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये बात समझ में आ गई सबको, तो यहाँ हमने यही किया कि एक एसिटेट के पीछे नाइट्रोजन लगा था, नाइट्रोजन ने भी अपनी डेंटिसिटी दिखा दी, तो ये टोटल यूनिट बन गई दो डेंटिसिटी वाली, ठीक है इसके बाद में देखो इस नाइट्रोजन के पीछे फिर CH2 लगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ CH2, तो यहाँ पर भी इन्होंने, अब देखो मैंने तो नाइट्रोजन के साथ दूसरा भी CH2CO नेगेटिव लगा रखा है, लेकिन इसने क्या किया नाइट्रोजन के साथ में दूसरा सिर्फ एच लगाया है, एच यानी यहाँ है ना, यहाँ एक और एसिटेट हो सकता है, तो ये एक एसिटेट यहाँ पर खा गया है, ठीक है तो मैंने क्या बोला यहाँ पर इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, चार एसिटेट हैं, इन्होंने क्या नाम दिया है इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसिटेट, देखो जरा ट्राई लिखा हुआ है यानी एक एसिटेट इसमें कम है, तो वो कौन सा कम एसिटेट, वो ये वाला यहाँ पर एसिटेट नहीं है, उसके बाद CH2 के बाद फिर से NH2 आएगा, NH2 आ गया, NH2 के बाद में फिर क्या आएगा CH2 और ये पूरा यानी ये CH2 और ये एसिटेट आयन आ गया, ये आ गया CH2 एसिटेट आयन, ठीक है इसके बाद इसी नाइट्रोजन के साथ में फिर से CH2 और एक और एसिटेट आयन आ गया, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ तो एक ये रहा
एसिटेटाइन एक ये रहा एसिटेटाइन, ये दो एसिटेटाइन आ रहे हैं इस नाइट्रोजन के साथ, तो दो डेंटिसिटी ये रही। इस नाइट्रोजन के साथ में सिर्फ एक ही एसिटेटाइन है और एक एच है, तो यहाँ नाइट्रोजन खुद डोनेट कर रही है, इधर भी नाइट्रोजन खुद डोनेट कर रही है लेकिन एक डेंटिसिटी कम होगी। तो मैं अब इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा बेटर क्लियर होगा। ये टेढ़ा मेढ़े हैं, एक्चुअल में तो ये ऐसे ही होते हैं जैसा इन्होंने बना रखा है, लेकिन हम इसको कन्वीनियंस के हिसाब से बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमें सीधा सीधा समझ में आए। CH2 नाइट्रोजन, तो यहाँ देखो इसने क्या किया, CH2COO- बनाया और यहाँ पर अकेला एच लगा दिया। यस बेटा ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद CH2COO- और CH2COO-, तो देखो इसमें ट्राई एसिटेट में तीन एसिटेट आयन की वैलेंसी हो गई और दो नाइट्रोजन की वैलेंसी जिनके ऊपर लोन पेयर है, यस, तो वो कितना हो गया, वो तो पेंटा, तीन और दो पांच, पेंटा डेंटेट हो गया। और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला हेक्सा डेंटेट हो जाएगा, तो इसका नाम है हेक्सा डेंटेट, EDTA। जनरली दोनों को ही EDTA बोला जाता है, ये याद रख लेना, इसको भी EDTA बोलते हैं लेकिन इसकी डेंटिसिटी 5 दिखाते हैं, नीचे वाले को भी EDTA बोलते हैं डेंटिसिटी 6 दिखाते हैं, और ये 4 डेंटिसिटी भी दिखा सकता है बिल्कुल। ओनली एसिटेट आयन विल डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन आयन उसमें पार्टिसिपेट ना करें, तो ये 4 डेंटेट वाला भी EDTA होता है। ये समझ में आया बेटा सबको, 4 वाला भी है, 5 वाला भी है, 6 वाला भी है। 4 वाले में नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, 5 वाले में एक एसिटेट ही नहीं होता, और 6 वाले में सारे चारों एसिटेट और दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे, तो 6 डेंटिसिटी बनेगी। क्लियर है, एसिटेट आयन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यस बेटा क्लियर है सबको, यस सर। जैसे फॉरवर्ड में दो ही मतलब हमारे एसिटेट हो तो भी तो चल जाएगा। हाँ बिल्कुल चल सकता है, बट मैं नहीं जानता कि इन्होंने एक लगाया और एक नहीं लगाया और उसको पेंटा डेंटेट इसी तरह से शो किया। दो को शो करके भी आप ऐसा कर सकते हैं, दो एसिटेट आयन और दो नाइट्रोजन आयन, तो 4 डेंटिसिटी वो भी बनेगी, बट वो शायद रेयर है इसलिए वो प्रैक्टिस में नहीं आते। क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर डाटा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब आप अपने हिसाब से अपने घोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ नया बन सकता है, लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट में जब उसको देखते हैं तो वो बनता ही नहीं है। तो हमें याद वो चीजें करवाई जाती है जो आपके सामने ना, ये बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री है, ये चीजें याद करवाई जाती है, ये नॉर्मल यूज होती है। अब इसके अलावा इनको एक्सटेंडेड लेवल पर कैसे यूज करना, तो वो थोड़ा सा काम टिपिकल हो जाता है, बट ये यूज हो जाती है, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो वो भी बन सकता है बट वो रेयर होता है, पहले यही बनेंगे, यही सबसे सिंपलेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन एटम डोनर एंड 2 नाइट्रोजन डोनर, तो यहाँ इसने लिखा है 4 ऑक्सीजन एटम डोनर है और 2 नाइट्रोजन एटम डोनर है, ठीक है। ऊपर वाले में 5 डोनर एटम है टोटल, तो 5 आपको दिख रहे होंगे, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, ये 5 डोनर है इसमें, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको, हेक्साडेंटेट और पेंटाडेंटेट, ठीक है। EDTA फुल फॉर्म EDTA की हर जगह पे वही रहने वाली है, बस ट्राई की जगह आ जाएगा टेट्रा, है ना, चाहे वो 5 वाला हो चाहे 6 वाला हो, कैसा भी हो। अब आगे देखो जरा, अब इसने ये सारे के सारे डोनेट करके दिखा रखे हैं, ये देखो ये वाला ऑक्सीजन एसिटेट का, ये वाला ऑक्सीजन एसिटेट का, दो तो ऑक्सीजन एसिटेट के और दोनों एसिटेट कहाँ लगे हुए, नाइट्रोजन साथ लगे हुए हैं, है ना, और नाइट्रोजन खुद तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है, 3 तो इधर से डोनेट हो रहे हैं, है ना, और 3 ही इधर से डोनेट हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो टोटल 6 डोनेट हो रहे हैं, तो हेक्सा डेंटिसिटी बन गई मेटल के साथ, बीच में मेटल रख दो। क्लियर है, स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होता है बट हम उसको कन्वीनियंस के हिसाब से वैसा दिखाते हैं जैसा आप लोगों ने देखा, है ना। क्लियर है बेटा सबको, यस। EDTA इज यूज्ड, EDTA कहां यूज होता है भाई, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इट कैप्चर द मेटल बाय इट्स 6 डोनर साइट्स एंड रिलीज द मेटल, मेटल को कैप्चर कर लेता है ये, हार्डनेस को रिमूव करता है, मेटल को कैप्चर कर लेता है 6 डोनर साइट से, मेटल को अपने जाल में फंसा लेता है, ये जाल की तरह काम करता है, ठीक है, और उसके बाद में रिलीज कर देता है। यस बेटा क्लियर है सबको, यस यस सर, ठीक है। प्रणव बेटा लेट आए, यस सर, वो थोड़े नेटवर्क की दिक्कत थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, हम डेंटिसिटी कर रहे हैं, डेंटिसिटी आपको कल बताया था हल्का सा, कितने लिगेंड कैसे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर EDTA आया है, अभी तक EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, उसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, वरना फिर आपको आगे का शायद समझ में नहीं आएगा ना। तो देखो EDTA कई तरह से काम करता है, इथाइलिन, इथाइलिन होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इथाइलिन है, लेकिन अगर हम इस डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड लगा दें तो इथाइलिन का डेरिवेटिव बना रहे हैं डायमाइन,
NH2 सिंगल बॉन्ड लगा दिया और ये डायमाइन बना दिया। लेकिन इस NH2 के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही नाइट्रोजन को, बाकी के दो हाइड्रोजन जो है वो अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ में एसिटेट आयन जोड़ते हैं CH2COO-, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ रहे हैं CH2COO-, यस ये समझ में आ गया। यस सर। इथाइलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, चार एसिटेट है ये नाम है इसका, ये ट्राई एसिटेट भी होता है, इसको हटा के सिर्फ हाइड्रोजन लगा दो तो वो ट्राई एसिटेट हो जाएगा, कोई एक हाइड्रोजन एक एसिटेट हटा दो ट्राई एसिटेट भी होता है। अब इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, कितनी साइड से मेटल से जुड़ सकता है, चार तो ऑक्सीजन है जो मेटल को डोनेट कर सकती है, एक दो तीन चार, और एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है। अभी नाइट्रोजन दूर दिखाई दे रहे होंगे, टोटल इसकी डेंटिसिटी होगी 6। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है बेटा इसका, थाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, समझ में आ गया। यस सर। हाँ देखो ये नाइट्रोजन एक, ये ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर भी नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये टोटल 6 हैं मेटल को जोड़ रहे हैं। ये होता है इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर यहाँ पर सिर्फ एच हो तो ये 6, इसकी डेंटिसिटी की जगह डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 ठीक है, नाम हो जाएगा ट्राई एसिटेट, टेट्रा नहीं। और कभी कभी क्या होता है नाइट्रोजन डोनेट ही नहीं करते तो सिर्फ इसकी डेंटिसिटी 4 भी हो जाती है, नाम वही रहता है EDTA, इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, बट डेंटिसिटी 4 दिखाता है, वो 6 नहीं दिखाएगा, हमेशा डिपेंड करेगा उसकी डेंटिसिटी, लेकिन मैक्सिमम डेंटिसिटी इसकी 6 होती है। ये समझ में आ गया डेंटिसिटी, yes, मतलब मेटल को कितने साइड से पकड़ेगा, बस मोटा मोटा तो यही था। अब हम जरा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपके सामने है, बट हम फिर भी इसको डिस्कस करेंगे। देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो बता देता हूँ बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर है कि मेटल को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में मेटल को कितने एटम टच कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड एल्युमिनियम इन, देखो अब दो मॉलिक्यूल्स दे रखे इन्होंने, COCl इन 2, Cl बाहर लगा, K3Al C2O4 थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना। तो अगर इनका स्ट्रक्चर आप बना पाते तो बहुत आसानी से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आएगा। जेई 2019 में आया था मेंस में, ठीक है, मेंस के बकवास क्वेश्चन ही होते हैं वैसे। CO इन होता है इथाइलीन डायमाइन, ये मैंने कल कराया था, याद है प्रणव बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये कल वही है, इथीन इथाइलीन CH2 CH2, डाइअमाइन है NH2 लगा दो, NH2 लगा दो, ठीक है। तो ये ऑब्वियस इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, पेंटागनल रिंग बनाएगा एक, ठीक है। अब ये कितने हैं इन, 2 इन लगे हुए हैं, तो एक और इन है यानी CH2 CH2, और यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, ठीक है, ये भी 2 जुड़ गया, क्लियर है। yes, और एक क्लोरीन भी अंदर वाले जोड़ देखने, बाहर वाले नहीं देखने, ये बात पता होगी ना सबको। Yes. Yes, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा, 5। यस 5 होगा, 5 क्योंकि 5 एटम देखो इसको जोड़े, इसके पड़ोसी एटम जो इसको टच कर रहे हैं, 2 3 4 नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या है, 1 क्लोरीन कर रहा है। अब इसकी डेंटिसिटी बताओ, इन की डेंटिसिटी कितनी है, इथाइलीन डायमाइन 2, इसकी डेंटिसिटी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो डेंटिसिटी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, CN नंबर ये है 5। तो देखो डेंटिसिटी का कोऑर्डिनेशन नंबर से कभी लेना देना नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो सेम दिखाई देते हैं, है ना। यस सर। यस सर। हमेशा नहीं, वो सेम कब दिखाई देते हैं, चलो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसी केस में लगाओ, और मैं क्या करता हूँ, ये लो मैंने ये खत्म कर दिया, अब बताओ डेंटिसिटी कितनी है इसकी, इन की 2 है, 2 डेंटिसिटी 2 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। अब ये सेम हो गए, लेकिन अगर एक और लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका। नेक्स्ट वाला देखो, एल्युमिनियम है, Al एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ क्या जोड़ रहा है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलेट आयन, COO-, एक और COO-, ये दोनों एल्युमिनियम के साथ जुड़ रहे हैं, और ऐसे से 2 है, ठीक है, 3 है, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 3। तो ये कैसे जुड़ते हैं भाई, एल्युमिनियम के साथ में अगर ये 3 जोड़ने हैं तो हम कुछ ऐसे जोड़ते हैं, OOC OOC, 2 तो ये जुड़ गए, है ना, फिर यहाँ पर भी OOC OOC, 2 ये जुड़ गए, फिर क्या होता है, एक और जोड़ना है, तो वो एक्चुअल में COO और COO, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा मतलब ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, छत पे जुड़ा हुआ है, ऐसा लगा लो, है ना, समझ में आ गया, है ना। तो ये की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका कितना, 6 है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, और डेंटिसिटी कितनी है, सर 2।
Intensity 2 है, बस बात खत्म, आ गया रिस्पेक्टिवली। और इन जो है इथेन 1-2 डाइएमाइन है, इथाइलीन डाइएमाइन बोलते हैं इसे, इथाइलीन डाइएमाइन कॉमन नेम है, इथेन 1-2 डाइएमाइन इसका आयुपैक नेम है ना इन का, याद रखो। यस सर, आंसर इज डी 5 और 6, तो उसमें 5 थे इसमें 6 थे, ये अब आपको समझ में आ गया होगा 5-6 कैसे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे अब हम। एक और क्वेश्चन है, चलिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टीएच, टीएच क्या होता है थोरियम इन K4TH CO4 OH twice is, तो देखो CO4 चार हैं, ये चार जुड़े हुए हैं, इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2, तो 4 गुना में 2 OH की डेंसिटी 1 ही होती है, टोटल हो गया 10 इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो सर सबको समझ में आ गया ना? यस सर ठीक है, तो यहाँ पर इसने सीधा सीधा ये दिखा रखा है कि आपका आंसर मैच कर रहा है, वो देख लो, आंसर बी है 10 वाला, ठीक है, वी आर राइट। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटीज ऑफ द लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड ए कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल आयन रेस्पेक्टिवली, आर कॉमन ट्रांजिशन है और इनर ट्रांजिशन है, कॉमन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है डी ब्लॉक, और इनर ट्रांजिशन कौन से होते हैं एफ ब्लॉक, तो ये कह रहा है कि अगर एफ ब्लॉक मेटल जोड़ दिया आपने या फिर आपने डी ब्लॉक मेटल जोड़ दी, मतलब स्कैंडियम वगैरह जोड़ दिया या एफ ब्लॉक में थोरियम जोड़ दिया, तो किसका मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी किसकी बढ़ेगी, सोचो जरा कितनी हो सकती पॉसिबल डेंटिसिटी, देखो एक ये है, दो ये रहा, तीन ये ऑक्सैलेट आयन, तो 4-5 ऑक्सैलेट आयन तो जुड़ेंगे यस यस सर यस सर, नाइट्रोजन देखिए, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, तो 5 और 3 8 8 हो सकती है डेंटिसिटी, yes, हो सकती है ना, कैसे हो सकती है अब जरा ये सोचना हमें, तो 8 हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन और अब बात आती है कि मेटल इन्होंने अलग अलग कही है, तो किसकी डेंटिसिटी जो है वो कैसी रहेगी, सोचिए जरा मेटल का साइज किसका बड़ा होता है, एफ ब्लॉक का या डी ब्लॉक का, पहले तो ये बता दो सर, एफ ब्लॉक मोस्टली बड़े होते हैं, एफ ब्लॉक बड़े होते हैं, डी ब्लॉक से ऊपर से नीचे आएंगे, साइज जो है ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, एक शेल बढ़ जाएगी, तो अगर कोई एटम बड़ा है तो मतलब उसके साथ लिगेंड ज्यादा चिपक सकते हैं, स्पेस ज्यादा मिलता है, यस सर, है ना, तो उसकी डेंटिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, छोटे वाला लिगेंड है उसकी तो वो लिगेंड अगर बड़ा लिगेंड है और एटम छोटा है तो वो चारों तरफ से उसको घेर नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, उसे जगह चाहिए ना उसे जुड़ने के लिए भी, स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट हो जाएगा, ये समझ में आई मेरी बात, यस सर, इस वजह से किसकी डेंटिसिटी फिर ज्यादा होनी चाहिए, 8 किसकी होनी चाहिए, 6 किसकी होनी चाहिए, यहाँ 8-8 लिख रखा है, दोनों की 8 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अब ये डिपेंड करता है आपकी क्रैमिंग पावर पर कि क्या पता दोनों की 8 हो, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, और इसने बोला कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, तो इनर ट्रांजिशन यानी कि 6 और 8 हो सकती है, 6-6 हो सकता है, दोनों की 6-6 हो सकता है, दोनों की 8-8 हो, ठीक है, और लेकिन 8 और 6 होने का मतलब नहीं, ये वाला ऑप्शन 100% गलत होना चाहिए, क्यों, क्योंकि छोटे वाले की 8 और बड़े वाले की 6 नहीं हो सकती, यस समझ में आया ये, यस सर, यस सर, ठीक है, अब देखो जरा आंसर क्या है, द लिगेंड हैज 8 नंबर ऑफ डोनर साइट्स, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द मेटल, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द डोनर एटम्स, दैट इज द आंसर, समझ में आया, मतलब ये क्या yes, कह रहा है यहाँ पर, वैसे तो ये क्रैमिंग पावर है, सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस क्रैमिंग पावर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, यानी अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, चाहे स्कैंडियम है, चाहे बड़ा कोई मेटल हो, जैसे हम थोरियम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का साइज से डिपेंड नहीं करता, लिगेंड का डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द मेटल, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द डोनर एटम्स, लिगेंड में कितने डोनर एटम, तो लिगेंड में 8 डोनर एटम है, तो यानी 8-8 दोनों की ही 8-8 होगी, यस क्लियर है, यस सर, दोनों की 8-8, अब देखो ये चीज जो है हमें पता है कि साइज से फर्क पड़ सकता है एक्सपेरिमेंटली, नहीं भी पढ़ सकता, तो ये चीज तो क्रैम करने वाली है, तो यानी यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको लोग मान लेते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, बट ये एक्चुअल में थ्योरी है कि वो डिपेंड नहीं करता भाई साइज के ऊपर, क्लियर है सबको, यस सर, नेक्स्ट डायग्राम देखिए अब जरा, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, द फॉलोइंग लिगेंड इज, ये लिगेंड दे रहेगा इसका, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है बिल्कुल, एक नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है डाइथाइल लगा हुआ, तो इसके पास में भी लोन पेयर होगा, डेफिनेट होगा, एक
दो दो चार, चार डोनर एटम है, यस यस सर, है ना। तो ये क्या होगा, हेक्सा टेट्रा बाई टेट्राडेंटेट, तो ये टेट्रा होना चाहिए, मस्ट बी द कंपाउंड ऑक्सीजन एटम एंड टू नाइट्रोजन एटम, दिस विल बी टेट्राडेंटेट, दैट्स इट। ठीक है, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड होगा, इसकी डेंटिसिटी चार होगी। नेक्स्ट देखो, लेट्स सी सम अदर टाइप ऑफ लिगेंड, कुछ अदर टाइप ऑफ लिगेंड भी होते हैं भाई, जैसे फ्लेक्सिबल लिगेंड। अब हमने बोला था कि एक तो हमने किया था टाइप ऑफ लिगेंड मोनोडेंटिसिटी के बेस पर किया था, फिर न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, है ना, और नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड, है ना। अब उसके बाद में अब फ्लेक्सिबल लिगेंड, फ्लेक्सिबल लिगेंड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, उसमें एक आता है फ्लेक्सिडेंटेट, सॉरी फ्लेक्सिडेंटेट, जिनकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो वो होंगे फ्लेक्सिडेंटेट, समझ में आया। फिर एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, वो बहुत आसान चीज है, एम्बिडेंट। चिलेटिंग लिगेंड हम कर चुके हैं, याद है चिलेट जो रिंग बनाते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, यस सर, है ना। तो इस फिर भी इसको आप डिटेल में लेंगे बस। फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड देखो क्या होते हैं, इन लिगेंड दैट शो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फ्लेक्सी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इट मीन इट कैन वेरी देयर नंबर ऑफ डोनर एटम। अब ये हम एग्जांपल भी कर चुके हैं, कोई बता सकता है इसका एग्जांपल हमने किया था, यस अंजलि बेटा, ईडीटी का एग्जाम्पल किया था, पांच भी करता है, चार भी करता है, छह भी करता है, यस बताया था, याद आया, yes, sir. है ना। तो EDTA वैसा ही तो है, while making bond with metal, तो देखो जैसे H2O2 है, H2O3, ठीक है, CH3CO negative है, NO3 है, SO4 है, etc, ये वाले एग्जाम्पल ऐसा करते हैं। अब ये कैसा करते हैं पहले तो उसको देखते हैं। सबसे पहले इसने दिखा रखा है SO4 2 negative, तो SO4 सल्फेट आयन है, तो ये देखिए 2 negative है, ये flexidentate है, didentate दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, मोनोडेंटेड दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि मेटल एक जोड़ रखी, दूसरा ऑक्सीजन खाली छोड़ दिया, मोनोडेंटेड, यहाँ पर मेटल दो जोड़ रखी है, तो ये अपने हिसाब से एक वैलेंसी खाली छोड़ सकता है, तो इसलिए इसका नाम भी फ्लेक्सिडेंटेड है। हालांकि देखने में लगेगा ये तो बाई है, इसके अलावा तो कोई डेंटिसिटी बनती नहीं, बट वो अपनी मर्जी से छोड़ देता है, हम क्या करें, क्लियर है, यस सर, एस ओ फोर तो सीधा हो गया। एस टू ओ थ्री कैन डोनेट लोन पेयर फ्रॉम वन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है, और कैन ऑल्सो डोनेट फ्रॉम टू ऑक्सीजन, एक या दो, दोनों से डोनेट कर सकता है एस टू ओ थ्री भी, ठीक है, वन ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ये लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर फ्रॉम वन ऑक्सीजन, डोनेट फ्रॉम टू ऑक्सीजन, ठीक है, तो इस तरह से एक या दोनों ऑक्सीजन से कर सकता है, तो इसलिए ये भी फ्लेक्सिडेंटेड हो गया। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज बाइडेंटेड मोनोडेंटेड, तो ऑब्वियसली बाई और मोनोडेंटेड की तरह वर्क करेगा। एसओ सीधा सीधा एसओ फोर तो हम कर ही चुके हैं, ये सीधा नीचे आ गया, ये CH3COO negative, ये कैसे करेगा भाई, बता सकता है कोई इसके बारे में, सर इसके पास भी तो दो ऑक्सीजन एटम्स है ना, एटम दो हैं लेकिन डेंटिसिटी इसकी एक ही है, एक ही है ना, नहीं इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, यस सर उसके पास भी तो है ना, समझ में आया बेटा, ये भी डोनेट कर सकता है ऐसे, और ये भी डोनेट कर सकता है, फर्स्ट डोनेशन किसका होगा, इसका होगा, इसका है ना, उसके अलावा किसी को भी डोनेट कर सकता है, तो इस तरह से ये भी दो दिखाता है। NO3, NO3 भी दो दिखा सकता है, दो ऑक्सीजन दिखाएंगे, दो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, और एक नहीं दिखाएगा। SO4 हमारा सीधा सीधा, जब इनके डायग्राम हम डिटेल में करेंगे जब आएगा, तो मैं इनके डिटेल में डायग्राम भी बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लीजिए इनके एग्जाम्पल्स, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस होल, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब एम्बिडेंटेड क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा सही है जैसे फ्लेक्सिडेंटेड है, दोनों में हल्का सा फर्क है, बहुत आसान है एम्बिडेंटेड। इसमें क्या होता है कि इसके पास साइटें तो दो होती हैं डोनेट करने वाली, ठीक है, लेकिन अगर एक से जुड़ गया तो दूसरी साइड इसकी बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाता है, मतलब इसके पास दो दरवाजे हैं, कोई बंदा एक साइड से अगर दरवाजे में घुस गया तो दूसरी साइड से दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है, समझ में आ गया, यस सर, यानी ये होता तो बाइडेंटेट है, एक हिसाब से डिफॉल्ट में बाइडेंटेट है, लेकिन डेंटिसिटी इसकी वन ही होती है, ठीक है, यानी कि ये दो तरह से लिगेंड मेटल को जोड़ सकता है दो साइडों से, बट एक साइड से ही जोड़ेगा एक टाइम पे, मतलब ओपन दोनों साइड है, जिस साइड से जुड़ गया दूसरी साइड बंद हो जाएगी, ठीक है, कैसे बंद हो सकती है वो, अब वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो लिगेंड हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स आइदर ऑफ द टू लिगेंड, यहां बोला ना इसने आइदर ऑफ द टू लिगेंड, टू लिगेट्स डोनेट्स इन ए कॉम्प्लेक्स, दो में से एक ही डोनेट करेगा, लिगेट मतलब जो लिगेंड जो डोनेट जो एटम के अंदर जो डोनर एटम होता है,
या मॉलिक्यूल आयन के अंदर जो लिगेंड के अंदर डोनर एटम होता है उसको लिगेट बोलते हैं, क्लियर है। तो लिगेट जो है आइदर ऑफ द टू, दोनों में से एक, आइदर का मतलब दो में से एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर वन नाइदर नोर, ठीक है, आइदर और नाइदर नोर पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो आइदर का मतलब दो में से एक, क्लियर है। तो यहाँ पर आता है NO2 is donate either nitrogen or oxygen atom, NO2 जो है वो ऐसा ही ligand है जो nitrogen की side से या oxygen की side से donate करता है। चलो इसका structure बनाते हैं NO2 का। NO2 का structure कैसा होगा भाई, nitrogen ने double bond वो जोड़ दिया एक, तो फिर उसके बाद में nitrogen क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा दूसरी ऑक्सीजन, यस। तो इस ऑक्सीजन के पास में तीनों लोन पेयर रहेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तीन बॉन्ड बना लिए इसने, यस क्लियर है, yes, और इसके पास कितने थे भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी फ्री बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर बचेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में फ्री बच जाता, तो ये और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इधर से डोनेट कर सकता है, इधर जब ये इधर डोनेट करेगा तो ये वाला ऑक्सीजन इधर वापस छीन लेगा, और इस तरह से इसका बीच में खेल चलता रहता है, क्लियर है, यस सर, समझ में आ गया। तो ये अब ये देखो ये क्या कहता है, नाइट्रोजन एटम की साइड से भी ये डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन से तो कर ही सकता है, तो क्या कोई बता सकता है, ऑक्सीजन से तो कर सकता है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर एक एक्स्ट्रा, नाइट्रोजन से कैसे कर सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। इज नॉट टिपिकल टू डोनेट फ्रॉम द नेगेटिव नाइट्रोजन साइड सर, वो शायद क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से वो प्रोसेस चलता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, तो उसके ऊपर पार्शियली शायद न्यूट्रल हो जाए, अगर हम मान भी टाइम के लिए पार्शियली अगर हम मान भी लिए कि इसके ऊपर न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, तब भी इसके पास लोन पेयर नहीं है डोनेट करने को सर। हां सर, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर नाइट्रोजन उसे मतलब लेने की कोशिश करेगा, फिर तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा ना, मतलब आप कह रहे हो पूरा बॉन्ड ही तोड़ दे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड तो नहीं टूटना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सर शायद वो जो लोन पेयर ऑक्सीजन देगा वही वो डोनेट कर देगा नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन क्यों डोनेट करेगा भाई नाइट्रोजन को, तो एक्चुअल में क्या कहानी है इसकी, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ले, तो जब ये इधर से आ रहा होता है, ठीक है, ये इधर से आता है या इधर से जाता है, ये इधर से ऐसे आता है तो ये इधर ऐसे जाता है, ठीक है, इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होता है। बट नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स, इस केस में बता रहा हूँ, इस केस में होता क्या, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स आपस में इतना आसपास इंटरमिक्स होते हैं कि यूं समझ लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ज्यादा पास होते हैं और ऑक्सीजन भी काफी पास होता है, ये भी ज्यादा पास होते हैं, जब ये इधर से डोनेट कर रहा होता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंटली डायरेक्टली डोनेट होते हैं, आप सिंपली ये कह सकते हैं, समझ में आया, कुछ ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्टली नॉन नहीं है कि क्या होता है, फिर भी जब कोई स्ट्रक्चर आएगा तो मैं आपको उसमें डायरेक्टली बताऊंगा कि NO2 में कैसा होता है, और इट मे बी नहीं, ठीक है, ये कुछ ऐसा ही होता है, इसको हल्का सा इमेजिन आउट करो, मैं इसको ऐसे साफ ही कर रहा हूँ, ठीक है, जब स्ट्रक्चर आएगा तब हम इसको डिटेल में करेंगे, बाकी मेरा माइंड कहता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, शायद ये हो सकता है NO2 नेगेटिव हो, अरे नेगेटिव ही है ये, हाँ ये रहा, गलत पढ़ रहे हैं हम इसे, ठीक है, तभी मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए देखिए NO2 नेगेटिव, अभी ठीक हो जाएगा काम, NO2 नेगेटिव, इस पे नेगेटिव था, इसके पास में अपना लोन पेयर होता है, ठीक है, और नहीं लोन पेयर नहीं दिखाएंगे, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव, इस पर था पॉजिटिव चार्ज, और अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन भी नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है, NO2 का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन भी नेगेटिवली चार्ज होती है, यानी इसके पास में अपने दो लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर भी होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसकी वजह से वो दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ओवरऑल NO2 पॉजिटिव आ जाता है, यस समझ में आया ये, यस सर, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर सही बना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करो भाई, किसी को करना आता है, ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के पास में छह छह इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, दो चार और एक पांच, ठीक है पूरे हैं, यही होता है स्ट्रक्चर, यस समझ में आ गया बेटा, यस सर, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही थी, ये NO2 नेगेटिव है ना कि NO2 है, ठीक है, मैं यही सोच रहा था कि शायद इसमें कुछ एंटीबॉन्डिंग का पंगा तो नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, NO2 नेगेटिव,
ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी डायग्राम में भी दिखा रखा है NO2 नेगेटिव है, ठीक है। ये देखिए NO2 नेगेटिव, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो एक नाइट्रोजन जो है वो इजीली अब अपना लोन पे डोनेट कर सकती है यहाँ से NO2 नेगेटिव के किस्म। जैसा हम यहाँ पर देखें कि अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन इधर से लोन पे डोनेट करेगी, अब इसके पास तो डोनेट करने या ये डोनेट करेगी, तो नाइट्रोजन के ऊपर जनरली क्या रहेगा, डोनेट करते ही नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन वो इजीली डोनेट कर सकता है। अब ये डोनेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर हम ये मान लें जैसे NO2 नेगेटिव है, मेटल को इसने डोनेट कर दिया नाइट्रोजन ने, यानी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था और उसने डोनेट कर दिया और एक ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, ठीक है, इसके पास अपने सारे लोन पेयर हैं। इसका स्ट्रक्चर अब जरा आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, और एक ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये न्यूट्रल है, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स तो इसने नाइट्रोजन ने शेयर कर रखे हैं इसके साथ बॉन्ड बना के, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे नाइट्रोजन के, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन हो गए। अब होना चाहिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा पांच, ठीक है, एक इसने डोनेट कर दिया, ये छठा इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किया, तो इसकी वजह से अभी ये न्यूट्रल है, इस पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, समझ लो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है नाइट्रोजन के पास। यस बेटा, ये समझ में आया? सर वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना दिया आपने। हाँ डबल बॉन्ड वाले ज्यादा है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसके पास तो दो ही रहेंगे, ठीक है। यस समझ में आया? यस सर, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे हिसाब करना आपको आना चाहिए, जब डीप में ये हिसाब करोगे, एक मेटल को इसने डोनेट कर दिया नाइट्रोजन के, अब टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ये रहे और ऐसे काउंट होते हैं, ये जो एरो लगा हुआ वो नाइट्रोजन का ही था और ये एरो लगा हुआ ये भी नाइट्रोजन का ही था, तो टोटल कितने छह हैं, छह मतलब नेगेटिव चार्ज था और एक नेगेटिव ये रहा, टोटल दो नेगेटिव है, ठीक है। तो दो नेगेटिव गड़बड़ है क्या, अब भी बनाओ भाई, दोबारा से बनाते हैं, नोटबुक पेन के ऊपर इसको फिर से बनाइए, देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करना, बस कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन के ऊपर इसने लोन पे डोनेट कर दिया, चार इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब इसका हो चुका है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है न्यूट्रल चार्ज है, चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये दो और दो चार, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है भाई, क्लियर है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया न्यूट्रल। एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले आऊं तो ये बन गया नेगेटिव। ये समझ में आया सर? तो फिर अगर हम मतलब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एन और ओ के बीच में ना बना के एक सिंगल बॉन्ड बना दे एन और ओ के बीच में और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन को दे दे तब भी हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बना दे और फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन ऐसा करता नहीं है बेटा एक्चुअल में। ऑक्सीजन जब भी नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ही छीनेगा, ठीक है। यस सर, ये होता ही ऐसे है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करो। अब देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दो चार और चार आठ, अभी आठ इलेक्ट्रॉन्स, ये है NO2 का सही स्ट्रक्चर, ठीक है, ये समझ में आया? यस, NO2 नेगेटिव का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, हमने यहाँ पर वैसा ही बनाया, दो नेगेटिव ऑक्सीजन कर दिए, ठीक है, और इसमें क्या फर्क किया हमने भाई, एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, क्या इसमें हमने हिसाब पूरा किया था क्या? तो दो चार और एक पांच इलेक्ट्रॉन कर दिए, इसके दोनों ऑक्सीजन के ऊपर छह छह इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है, तो यहाँ अगर ये लोन पे इसको डोनेट करेगा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर इसका मतलब नहीं चलेगा, है ये सही स्ट्रक्चर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। हाँ वो डोनेट करेगा ना इसी वजह से, तो यहाँ एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये होता है, आप ये समझ लीजिए, और इसके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अब मेटल को डोनेट कर सकता है, ये है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ मेटल आएगा और मेटल अब ये मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना? यस सर। तो ये क्या है, अब ओवरऑल देखो नेगेटिव नेगेटिव दो नेगेटिव है, दो सर, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा ना, पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहले पॉजिटिव था वो, पॉजिटिव था नेगेटिव था ये मुझे अब सर, नाइट्रोजन पहले पॉजिटिव था, यस पॉजिटिव है आपके हिसाब से, कैसे सर? क्योंकि उसने डेटिव बॉन्ड बनाया ना ऑक्सीजन के साथ। अरे बेटा NO2 पर नेगेटिव, पहले तो ये देखो NO2 पर नेगेटिव चार्ज लेके आना, ठीक है, मुझे लग रहा है पहले वाला स्ट्रक्चर सही था। सर तो फिर अगर नाइट्रोजन पे भी लगाएंगे तो दो नेगेटिव हो जाएंगे ना?
सर अगर हम ऐसे सोचे कि मतलब एक डेटे बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया, लेकिन जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो उसने पॉजिटिव चार्ज को हटा के नाइट्रोजन को फिर से न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, न्यूट्रल मान सकते हैं। देखो चार दो छह और दो आठ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन को न्यूट्रल मान सकते हैं, तो दो दो चार और दो छह, छह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में है एक्चुअल में, तो वो नेगेटिव होना चाहिए, बट एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रल है फिलहाल। ओके, NO2 नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ठीक है ऐसे ही बनेगा। तो ये मेटल को डोनेट हो जाएगा तो उसके बाद में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका रेजोनेंस चलता रहेगा। सही है भाई, ये सही है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी डायग्राम्स है ना मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करके ही बनाता हूँ और वो हमेशा परफेक्ट बनते हैं। कई बार काउंटिंग करने में गलती हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, मेरा मन भी थोड़ा मरा पड़ा, तो हो सकता है मैं काउंटिंग करने में थोड़ा लेजीनेस दिखा रहा हूँ, वरना स्ट्रक्चर बनाना बहुत 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 आसान होता है अगर आप काउंटिंग सही करते हैं तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये अब हमने ये सही दिखाया क्या? ये वाला सही दिखाया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया ना जब बॉन्ड बन गया। यस सर, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना उसके पास। यस, किसके पास? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का तो एक चला गया ना, लोन पे डोनेट किया ना ऑक्सीजन ने दोबारा। तीन तीन बॉन्ड, देखो इधर देखो पहले, ये स्ट्रक्चर सही मानते हो आप लोग? ये जो मैंने अभी बनाया इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है, सही है? यस सर। ठीक है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा, करेगा। तो मैंने यही तो किया, देखो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। अब ये नाइट्रोजन मेटल को कर रहा है, ये नाइट्रोजन मेटल को कर रहा है, डोनेट कर ही चुका है, कर क्या रहा है, तो आएगा कि नहीं आएगा? मैंने जो बनाया सही आया कि नहीं? यानी ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? समझ गए, यही गलती थी इस डायग्राम में, इसी वजह से ये कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, जैसे पहले डायग्राम बना रहे थे तो उसमें वो माइनस नहीं चेक किया मैंने और मैं उसको पॉजिटिव के हिसाब से बनाने लग गया, क्योंकि मेरे हिसाब से आई नेवर लर्न दीज टाइप ऑफ थिंग्स, मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन का हिसाब करके करता हूँ और आपको भी वैसे आएगा तो मजा आ जाएगा आपको। अब देखो जरा, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे या नहीं? ये न्यूट्रल रहेगा NO2 पर, ये ऑक्सीजन, अब देखिए ये ऑक्सीजन है ना नेगेटिव, तो इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। जब ये मेटल को डोनेट करे तो या तो मेटल को ऑक्सीजन डोनेट करता है या मेटल को क्या करता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है। इसीलिए क्या है, इसकी डेंटिसिटी क्या है, ये एम्बीडेंटेट है, लेकिन एक साइड से डोनेट करने के बाद में दूसरी साइड उसकी डेड हो जाती है, वो दूसरी साइड से डोनेट नहीं कर सकता। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब देखिए, और इस ऑक्सीजन के पास में तीन लोन पेयर थे, तो अभी इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, इसके पास में भी दो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड बने हुए हैं, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, बिल्कुल नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, ये सब कुछ है, तो अभी ये न्यूट्रल फॉर्म में ऐसे ही रहेगा। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। है ना, अब देखिए, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उस दोनों साइड से जुड़ सकता है। अब साइनाइड के केस में देखते हैं, साइनाइड का एग्जांपल मैंने डायग्राम बनाया था आपको याद है, साइनाइड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, तो कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है, कैसे नेगेटिव चार्ज हो सकता है लोन पेयर होने के बाद? कार्बन सर, क्योंकि वो नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होना चाहिए। सारे गलत स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सुनिए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन बना लिया, ठीक है, लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। अब इसके बाद क्या होता है, इसके पास क्या है, कार्बन के पास में दो इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, क्यों? क्योंकि कार्बीन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेप्टिंग होता है, ठीक है, yes, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन पे आ गया नेगेटिव, नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस, ये क्लियर है? यस सर, ऐसा होना चाहिए। तो यानी ये एक्चुअल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा होना चाहिए और इसके ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। यस बेटा, समझ में आया? यस सर। याद रखे ना, सारे के सारे गलत बना रखे हैं, ऐसी वाली बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये तो बन गया। अब नाइट्रोजन का, अब कार्बन का नेगेटिव तो चला जाना चाहिए ना, क्यों चला जाना चाहिए, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मेटल को। यस यस है ना, तो हम कार्बन के ऊपर नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं, इसको मैं बस ऐसा धुंधला बना रहा हूँ।
तो ये डायग्राम एक्चुअल में ये वाला है, इसको चेक करके आप चेक कर सकते हैं। सेम एज इट इज नाइट्रोजन की साइड से वो डोनेट कर सकता है। तो देखो यहाँ जब ऐसा हुआ था तो नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन बच गया था और लोन पेयर था और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना पॉजिटिव। तो यहाँ मैं अब फिर से, क्योंकि नाइट्रोजन ने अब अपनी साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया मेटल को, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसा रहेगा, कार्बन पे नेगेटिव रहेगा। यस बेटा समझ में आया? नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड कैसे बना लिए? उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना कार्बन को देने के बाद। रुको रुको रुको, ऐसा नहीं है, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया। सुनो, ये नीचे वाला डायग्राम क्लियर है ना? तो मान लो इस तरफ से, यानी ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस भी लेता है। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस लेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस ले रहा है तो मेटल किस मेटल को डोनेट कर देगा वापस लेके। मान लो ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया, तो खुद ने वापस लिया और फिर मेटल को डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव ही रहेगा। यस और नॉट? यस सर। तो यानी कि इसका पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो इसका पॉजिटिव यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये सही है ठीक है, यानी ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये सही है। ये समझ में आया? यस सर। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, ये भी सही है, और इसका नेगेटिव चला जाएगा, ये खत्म, और सिर्फ दो बॉन्ड हो जाएंगे और इसके पास में। हाँ, और इसके ये दो बॉन्ड हो जाएंगे और इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर भी रहेगा। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये वाला डायग्राम ही गलत बना रखा, तो क्या करें इसका, ठीक है, दैट इज इट। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को ना? यस सर। वाई डेंटेट है ये, क्लियर है? नोट, उससे पहले थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। द एग्जांपल है साइनाइड है, साइनाइड को साइनाइडो बोलते हैं, ओ लगा देते हैं ई हटा के, और आइसो साइनाइड है, 4NC साइनाइडो, दोनों को साइनाइडो ही बोलते हैं। दोनों का नाम साइनाइडो लिख रखा है क्या इसने? नाइट्रीटो नाइट्रीटो, दोनों का नाम नाइट्रीटो है, NO2 NO2, ये भी बाई एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स को हम ना फिर से डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नो वरी। ठीक है, इनके नाम भी डिफाइन कर देंगे। अभी नोट पढ़ लेते हैं कि इफ मोर नंबर ऑफ डोनर एटम आर प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, देन टू डोनर ग्रुप्स आर साइमल्टेनियसली डोनेट टू वन मेटल इफ टू डोनर एटम्स आर ऑर्थो टू ईच अदर। इसको भी बाद में, नोट को बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, मेरे को अगली क्लास भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास हम आगे से ही शुरू करेंगे। ठीक है, और इसकी गलतियों को मैं थोड़ा देख के सही कर लूंगा। ठीक है, अभी कोई